हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और हेल्दी लड्डू, गोंद के लड्डू। इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। पर उससे पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। गोंद के लड्डू को बनाने के लिए एक पैन में हाफ चम्मच घी डालें। अब सबसे पहले मखाना को फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को लो रखें और मखाना को उसमें रोस्ट कर लें। फ्लेम लो होने से मखाना बहुत ही अच्छा क्रिस्प बनता है। तो ये देखिए, मखाना रोस्ट हो गया है। इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी पैन में थोड़ा सा घी डालें। इसमें ड्राई फ्रूट्स को पहले फ्राई कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स में आपके पास जो भी हो, काजू, किशमिश, बादाम, डेट, जो भी है उसे फाइन चॉप्ड कर लें और उसे लाइट फ्राई कर लें। ये देखिए, ड्राई फ्रूट फ्राई हो गया है। इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, ये गोंद है। गोंद के लड्डू बनाने के लिए मैं हाफ कप गोंद ले रही हूँ। अब उसी पैन में 3 से 4 चम्मच घी डालें। घी जब गर्म हो जाए तो उसमें गोंद को डालें। थोड़े थोड़े गोंद को फ्राई कर लें। ये देखिए, गोंद जब फ्राई होने लगता है तो वो फूलने लगता है। इसे पलट दें और दोनों साइड से बहुत ही क्रिस्प होने तक इसे फ्राई करें। फ्लेम को लो रखें। लो फ्लेम में इसे फ्राई करना है। अगर आप फ्लेम को हाई रखेंगे या मीडियम रखेंगे तो ये अच्छे से क्रिस्प नहीं हो पाएगा। तो फ्लेम को लो रखें और इसे क्रिस्प होने तक फ्राई करें। ये देखिए, ये फ्राई हो गया है। इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। गोंद के लड्डू को बनाने से पहले गोंद, मखाना और ड्राई फ्रूट को फ्राई कर लें। ये देखिए, पहले से फ्राई करके रखें। ये 2 कप आटा है, इसे भी लो फ्लेम पर घी में भून लेना है। पैन में 2 से 3 चम्मच घी डालकर उसमें आटा को डालें और लो फ्लेम पर इसे भून लें। आटा को कंटिन्यूस स्टर करते रहें। फ्लेम को मीडियम रखें और इसे कंटिन्यूस स्टर करते हुए भून लें। ये देखिए, आटे का कलर चेंज होने लगा है। आटा में से बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है। आटा भून चुका है। गैस को ऑफ कर देंगे। गोंद के लड्डू को बनाने से पहले सभी चीज़ों को तैयार कर लें। ये नारियल का पाउडर है, इसे भी मैंने भून लिया है। अब एक ग्राइंडर लेंगे, उसमें डालेंगे गोंद और मखाना। इसे दोनों को डाल करके ग्राइंड कर लेना है। बहुत ही फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, हल्का दरदरा ही रखें। इसमें डालेंगे चीनी 1/2 कप। 2 कप आटा के लिए 1/2 कप चीनी ले रही हूँ। चीनी को भी साथ में ग्राइंड कर लेना चाहिए, इससे लड्डू अच्छा बनता है। ये देखिए, सभी चीज़ें क्रश हो गया है। बहुत फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, हल्का सा दरदरा रखें। अब भुने हुए आटे में 1 से 2 चम्मच घी डालें। आटा अगर गर्म है तो घी मेल्ट हो जाएगा, अगर आटा गर्म नहीं है तो घी को मेल्ट करके डालें। इसमें क्रश किया हुआ पाउडर डाल देंगे। सभी पाउडर को डाल दें। ड्राई फ्रूट्स को डालेंगे, भुना हुआ नारियल। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। लड्डू अगर बनाते समय लड्डू अगर नहीं बन रहा हो तो 2 से 3 चम्मच घी और भी मेल्ट करके उसमें डाल दें, फिर लड्डू को बना के देखें। ये देखिए, ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब लड्डू बना के पहले देख लेते हैं। अगर वो बन रहा है तो ठीक है, अगर नहीं बन रहा हो तो 2 से 3 चम्मच घी और भी उसमें डाल दें, फिर लड्डू बना के देखें। ये देखिए, लड्डू हमारा बन रहा है। तो इसे एक प्लेट में रख देते हैं और इसी तरीके से सभी लड्डू को बना के तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, सभी लड्डू बनकर तैयार है। इसे एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। ये देखिए, तो ये रहा गोंद के लड्डू। बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही हेल्दी लड्डू है। इसे आप भी घर पर बनाइए और सभी को खिलाइए। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।